अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों ठीक होंगे। नाज़रीन, आज मैं आप दोस्तों के साथ एक अहम खबर शेयर करने जा रहा हूँ सऊदी अरब के हवाले से। वो ये हैं कि सऊदी फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स, सऊदी अरब के अंदर एक नया कानून जारी हुआ है, एक नया रूल जो है वो नाफिज हुआ है। वो ये हैं कि आपने पिछले कई सालों से देखा होगा कि सलाह के दौरान जो है बकालत बंद हो रहे थे, दुकान सऊदी अरब के अंदर बंद हो रहे थे। शुरू तक कभी गर्दिश रहता था कि बकाला बंद करो और सलाह के लिए जाओ, तो अब ये पाबंदी जो है वो हटा दी गई है सऊदी अरब के अंदर। अब सलाह के दौरान जिसकी मर्ज़ी है वो बकाला बंद कर सकता है, जिसकी मर्ज़ी नहीं है वो बंद नहीं कर सकता, वो कंटिन्यू खुला रख सकता है। दुकान है, होटल है, कुछ भी है, कोई भी बिजनेस है, अब इसको हटा दिया गया है। तो अब ये जो पाबंदी थी सलाह के दौरान, यानी दुकान वकाना उन पे जो जुर्माना लग जाता था, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से हटाया गया है। जिसकी मर्ज़ी है जो करे, अब कोई पाबंदी नहीं है। तो ये एक मेरे हिसाब से बुरी खबर है, क्योंकि ये कई दहाइयों से जो है एक अच्छा कानून था सऊदी अरब के, क्योंकि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का एक सेंटर है। तो मेरे हिसाब से मोहम्मद बिन सलमान का जो निर्णय है, जो ये फैसला है, ये गलत है। तो आप दोस्तों को क्या लग रहा है कि क्या ये सही है या नहीं है, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आए, तो हमारी वीडियो को लाजमी से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना सारा ख्याल रखें।